नगर सेविका जया बहन तिवाना के माध्यम से यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया है और मैं मानता हूँ कि उपनगर में दहिसर में एक स्विमिंग पूल बना है और कांदिवली में है कॉरपोरेशन का और उसके बाद में ये है, बाकी प्राइवेट क्लब है। सामान्य घर परिवार के लोगों को के बच्चों को स्विमिंग पूल की कोई व्यवस्था बड़े पैमाने पे नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये शुरू होने से बड़े पैमाने पे लोगों को यहाँ पर मेंबरशिप लेकर वो बच्चे स्विमिंग के लिए आ सके, इस प्रकार की व्यवस्था है। कॉर्पोरेशन ने कुल मिलकर 13 करोड़ का इसका बजट बनाया था, लेकिन हमारी नगर सेविका की जागरूकता के हिसाब से ये 7 करोड़ रुपये में काम पूरा हो रहा है, यानी 6 करोड़ रुपया पैसा बचा है। इसको और क्या क्या सुविधा हम दे सकते हैं इसके बारे में 2 घंटे का बहुत बड़ा मीटिंग अभी वार्ड ऑफिसर के साथ में, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ में हमारा हुआ। बहुत सारे ऑफिसर्स और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे। हम इसको बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। दशहरा के आसपास इसका मुहूर्त निकाल कर ये लोगों को हम लोकार्पण करेंगे। तो गोपाल जी, मतलब अमीरों के लिए नहीं, जरूरतमंद जैसे गरीब लोग हैं जिनकी जरूरतें पैसों से नहीं पूरा हो पा रही, उनके लिए भी गोपाल जी सोचते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरा कुल मिलकर सोचते हैं, मोदी जी सोचते हैं। अब ऑफिसर से हमने बात किया, मैंने ओपन जगह पे क्या होगा, तो कह रहे हैं पार्किंग करेंगे। पार्किंग करने का इसका मतलब होगा कि फिर वापस बड़े घर के लोगों को ही मेंबरशिप मिलेगा। मैंने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था मत करो, यहाँ पर बच्चों को खेलने की जो भी सुविधा होगी वो हम करेंगे। हम यहाँ पर मेंबरशिप ऐसे लोगों को देंगे जो पैदल चलकर आए, स्कूटर बीटर लेकर आए, है ना, सामान्य घर परिवार के लोगों के लिए मिलना चाहिए। मैं कोई बड़े वाले पैसे वालों का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनका भी समर्थक हूँ, लेकिन उनके लिए व्यवस्था है। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, दहिसर में एक बड़ा बना हुआ है, तो वहाँ पर उनको मेंबरशिप बड़े पैमाने पे मिलता है। सामान्य लोगों को कोई सुविधा ही नहीं इस प्रकार का, तो यहाँ पर सामान्य लोगों को मेंबरशिप मिले इस प्रकार की रचना हम करेंगे। जब ये अभी चुन के आई तभी मुझे मालूम पड़ा था कि यहाँ इस स्विमिंग पूल का प्रपोजल चालू हो गया। उसके बाद में यहाँ बहुत सारे झोपड़पट्टी इंक्रोचमेंट हो गया था। हमने इंक्रोचमेंट 2000 कपड़े साफ थे, तभी 2018 से कोर्ट में केस चालू थी, लेकिन 2 साल के कोरोना काल में केस वैसे ही रुक गई थी। लेकिन वो मुंबई जाके मैं भी लॉयर का इनुस भाई, मैं कोपा शेट्टी साहब, यहाँ मीटिंग भी से बात भी हुई थी बहुत टाइम में, हम लोग ये डिस्कस किया। उसके बाद में हमारे कबरे साहब ने वालावलकर साहब करके 50,000 लेने वाला लॉयर, उसने स्पेशल करा कर दिया था कि जल्दी अपने से इंक्रोचमेंट का छुटकारा मिले करके। और जैसे ही मैडम मुंबई का जो लॉयर मैडम हमारी थी, उसने सावला मैडम ने मुझे बहुत मदद किया, रोज़ फॉलोअप करते थे। मैं जाके मुंबई में जब भी मीटिंग था तभी कॉरपोरेशन में, वो बोले नहीं जैसा ही यहाँ कोरोना का उड़ जाएगा कोड का, और जैसे ही कोरोना का कोड चालू हो गया तो पहले विजिट में ये लोग ने उड़ा दिया था। मुझे बहुत खुशी हो गई है ये बात के लिए कि कहीं आम जन के लिए के जैसे साहब बोले, भारतीय जनता पक्ष हमेशा ही गरीब लोगों को सोचता है और सोचता ही रहेगा। हम चाहते हैं कि अमीर लोगों से ज़्यादा जो मीडियम क्लास के लोग हैं, आजू बाजू बिल्डिंग है ये सारे के ऐसे लोग हैं जो खुदकर बच्चे हैं जो स्विमिंग करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे स्लम में भी रहते कि वो आगे उनको मौका नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी मौका मिले, उनको अच्छा ट्रेनिंग मिले और वो अच्छा आगे जाए। जैसे अभी गोपाल शेट्टी साहब ने बोला है वैसे दशहरे का मुहूर्त लेके हम चालू करेंगे। हमारी बहुत इच्छा है कि हमारे हाथ, मतलब हमने मेहनत किया है, हमारे हाथ से इसका ओपनिंग हो जाए। धन्यवाद।